नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTC स्टडी हब। साथियों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो थार्नडाइक ने मुख्य तीन नियम बताए हैं। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम की दो प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो नंबर एक है करके सीखना और दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो नंबर एक है इसमें वस्तुनिष्ठ, दूसरा है आत्मनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपण विधि। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अप्रेरणा का क्या अर्थ है? अप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर होगा थार्नडाइक ने। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? उत्तर होगा तीन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है तो कल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर होगा 46 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवा अवस्था की आयु कितनी है? जन्म से 5 वर्ष। बाल विकास के अंतर्गत शैशवा अवस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो विस्मृत कहलाती है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृत कहते हैं। बुद्धिलब्ध का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। तो पहला है बालक के ज्ञान का विकास होता है, दूसरा है बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्राकृतिक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो नंबर एक है रुचि है, शांतपूर्ण वातावरण। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है, यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये तत्परता का नियम है। साथियों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।